क्या हाल चाल है जनाब आपके और इंडियन बॉय लॉस्ट इन नेपाल में। मैं हमेशा की तरह आपका वेलकम करता हूँ, वेलकम। और गाइस आज हम देखते हैं कि किस पे हमने रिएक्शन देना है। मैं हर रोज़ वीडियो रिएक्शन बनाता रहता हूँ, सो प्लीज़ लेट मी नो, आप सब्सक्राइब करें क्योंकि जानना चाहता हूँ मैं सब कुछ, आपका कल्चर सब कुछ। वैसे तो हमारा लिटिल बिट सेम है सारी चीज़ें, बिकॉज सेम रिलीजन के कारण। और आई रियली फील टची कि हमारा सब कुछ समझ में भी आता है यार, अच्छा लगता है। तो हाँ जी चलो बाद में करेंगे बातें, पहले देख ले किस पे देनी है हमने रिएक्शन। ओके, निर्देश भंडारी जी कहते हैं कि व्हाई यू डोंट रिएक्ट ऑन योर सास सॉन्ग। योर सास तो वो होती है ना, वो जब शादी हो जाती है वो सासू माँ होती है, जैसे वैसे ही ये यो सासू माँ वाली है, यो सासू माँ वो ऐसा होगा आई थिंक। चलो देखते हैं इस वीडियो को, बाद में करेंगे हमेशा की तरह बातें। सो गाइस 1 2 3 और इस वीडियो को हम कर देते हैं प्ले। सॉन्ग्स नेपाल सॉन्ग योसा जमन राय सिंगर जन्मा राय। ओ शूट, ये तो हमारे फोर्स है भाई साहब। एक ही ना बात है स्टॉप। ये वाला इनका स्टाइल है ऐसे करके। लेग वाला डोला बना हुआ था। मलाई दे रही दे रही माया करने मेरो प्यारो साथी गरी रखना माया ज्ञानो तिम्रो अंगलमा बाँधी। ये उसी लेवल हाई हो रहा है हमारा यहाँ पे। वाह लग रहे हैं बहुत। अच्छे लग रहे हैं।
बाल खराब करती है हमारे। बटरफ्लाई तितली ये असली की है नहीं क्या एडिट थे? आई एम फ्लाइंग विद योर लव, जो लास्ट में लाइन थी ना, आई एम फ्लाइंग विद योर लव, उड़ रहा हूँ यार मैं भी, पर प्यार में नहीं जेल सी में उड़ रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि उन्होंने ऐसे किया था और मुझे लगा कि ऐसे नहीं कर रहे थे, और मुझे लगा कि मुझे कह रहे हैं, पर नहीं कह रहे थे हमको। ओ यार मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, अगर आप इंडिया से देख रहे हो और नहीं जानते कि ये एक्टर कौन थे, एक्टर का नाम है पॉल शाह, वो हम किंग ऑफ नेपाल के भी कह सकते हैं। एक पॉल शाह जी हो गए, एक हो गए जिनको मैं जानता हूँ राजेश पायल राय जी, ये दोनों लेजेंडों के भी लेजेंड हैं नेपाल में। अब सिंगर में आते हैं राजेश पायल राय था ना उनका नाम, और पॉल शाह जी हैं हमारे एक्टिंग में, एक्टिंग के सुपरस्टार पॉल शाह। तो इस वीडियो में वो पॉल शाह थे और उनके एक्सप्रेशन यार ऐसे था वाह, अगर बॉलीवुड में भी आ जाए, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ पॉल शाह जी का कि आप बॉलीवुड में नहीं आए, नहीं तो इंडिया वाले जो एक्टर हैं उनका काम छीन जाता, क्योंकि आप सभी के सभी काम खुद ले लेते, क्योंकि आपका एक्टिंग स्किल, आपका एक्टिंग लेवल सब कुछ इतना अच्छा है यार, आपके एक्सप्रेशन है ऐसे करके ऐसे करते हैं ना भाई वाह। और जो एक्ट्रेस थी इनमें वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि उनका नाम क्या है, क्योंकि यार मैं अपनी नॉलेज गेन करना चाहता हूँ। और पहले आपने मुझे बताया था मुझे पूजा शर्मा के बारे में, और बहुत ही मस्त थे वो, मस्त मतलब बहुत ही क्यूट थे कह सकते हैं, और इनकी स्माइल जो हंस रहे थे ना ऐसे ऐसे करके, ओए हाय मेरा तो ऐसे था कि मैं उनके पास जाके ऐसे बैठ के ऐसे दांत गिनूं, 1 2 3 4 5 यही कारण है हम सिंगल ऐसी बातें करते रहते हैं। और गाइस आई खांसी रोक ली मैंने, और गाइस मैं आपको यही बताना चाहता था कि प्लीज़ सपोर्ट करें, अगर आप इंडिया से देख रहे हो कहीं मर्जी से देख रहे हो आपको सपोर्ट करना बनता है, क्योंकि ओरिजिनल वीडियो का मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और आज गाइस इस वीडियो में जो म्यूज़िक था ना कि आपका मूड ठीक नहीं है, मैं अगर सोचो आपका मूड ठीक नहीं है, आप कह रहे हो क्या करूं मैं ज़िंदगी में क्या करूं विदूर, तो आप बैठे इस सॉन्ग को मैं आपको रेकमेंड करूंगा, सुने शांति से ठीक है, ऐसे लगा के म्यूज़िक ही भाई इतना अच्छा है। और आप लकी हो कि आप नेपाली हो, अगर आप नेपाल से देख रहे हो और आपको ये सॉन्ग बहुत अंदर से समझ आता है और नेपाली बोलते हो, तो प्राउड टू बी नेपाली ओके। और अगर आप मुझे नहीं जानते, मैं इंडिया से हूँ, इंडिया के पंजाब से, और मेरा नाम है अभिज्ञान शर्मा, और मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, होप यू लाइक माय रिएक्शन। और बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ यार क्षमा करें, मुझे इग्नोर करें उनको, क्योंकि ऐसे आवाज़ें वगैरह आती रहती हैं, कोई नहीं हम स्टूडियो बना लेंगे अच्छे से ताकि आपको भी अच्छा लगे। हाँ ओके मिलते हैं, बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।